दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और ऑनलाइन करने में बहुत से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे फॉर्म को ऑनलाइन किया जाए, लॉगिन कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको स्टूडेंट खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें। सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाले वीडियो के साथ अंत तक रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। वन बाय वन करके पूरी डिटेल हम वहाँ पर बता चुके हैं। फिर भी चलिए इस वीडियो में आपको बता दें, सबसे पहले अगर जिन स्टूडेंटों का लॉगिन हो जा रहा है और पेमेंट नहीं हो रहा है तो इस तरह का लिंक आपको देखने को मिलता होगा, www.sbiepay.com/secure, इस तरह का लिंक आपको देखने को मिलता होगा। तो ये बीएसएससी का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो SBI EPA से जो हॉस्टेड किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हॉस्टेड किया है तो हॉस्टेड में ही प्रॉब्लम, यानी कि SBI EPA में ही प्रॉब्लम है, उसी के सर्वर में इस तरह का प्रॉब्लम है जिससे वो लोड नहीं ले रहा है और आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, यानी कि फेल हो जा रहा है। तो SBI जो है जिसे होस्टेड किया है उसके सर्वर में ये प्रॉब्लम आ रही है। जब उसका सर्वर फ्री रहता है तब किसी भी स्टूडेंट का जाके लॉगिन होता है और उसका पेमेंट हो जाता है। अगर उसके बाद उस पर जो एकाएक जो पूरा लोड पड़ता है तो वो होस्ट जो है वो फेल कर जाता है और पेमेंट आपका फेल्यूर हो जाता है, अनसक्सेसफुल आ जाता है। अब बात करते हैं अगर आप लोग जिसका पेमेंट हो चुका है वो आगे का प्रोसेस कैसे करें, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। जैसे कि मैं कुछ स्टूडेंटों का फॉर्म भरा हूँ तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है, ठीक है। लास्ट में आपको जब आप लोग फॉर्म सारे कुछ भर लेते हैं तो आपको लास्ट में आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको मात्र अपलोड करना पड़ता है। अगर आप बात करेंगे अब डॉक्यूमेंट अपलोड का तो सिर्फ एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ना ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है और ना ही कोई फ़ोटो, इस तरह का कोई भी चेंजेज आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपका सिग्नेचर ही आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद बात करेंगे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का नंबर लगता है, टेक्निकल डिग्री का भी आपको उसमें सर्टिफिकेट का नंबर लगता है कि नहीं, तो मैं आपको जो फॉर्म भरे हैं स्टूडेंट का उनका मैं आपको बता दूँ रिव्यू। मेरा कन्फ्यूजन ये रहता है कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट हिंदी प्लस अदर सब्जेक्ट से किए हैं, अगर साथ में हिंदी है तो हिंदी के साथ आपको उसमें ऑप्शन आता है कि केवल हिंदी नहीं है आपके, या इंटरमीडिएट विद हिंदी है, या ओनली फॉर हिंदी नहीं है, मतलब इस तरह का आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो जो स्टूडेंट इंटर में हिंदी या 100 के रखा हो या 50 के रखा हो, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको इंटर विद हिंदी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मांगेगा अगर आपके पास शॉर्ट हैंड का नॉलेज है तो यस करें या नो करें। तो अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नो किया हूँ। उसके बाद श्रुति लेखन का है तो यहाँ पे यस किया है, यानी कि जो जो नॉलेज आपके है वहाँ पे आपको क्लियरली फाई करके वहाँ पे दिखा दिया गया है। जैसे कंप्यूटर टाइपिंग का अगर आपके पास नॉलेज है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। और उसके बाद इस तरह का कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। जैसे आपको सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट का यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नंबर या कंप्यूटर सर्टिफिकेट का नंबर नहीं हमसे मांगा गया, बस ये ऑप्शन मांगा गया कि आपके पास नॉलेज है या नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट आना है, अगर सिलेक्शन होता है तो अगर आपका टाइपिंग है तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट मोस्ट है, आपको लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज अगर नहीं है आपके पास तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपके पास किस तरह का टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, यहाँ जैसे मेरे पास ITI का था तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ पासिंग पूछेगा, इस तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो लगभग मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन हम आपको दूर कर दिए होंगे। अगर किसी भी तरह के कमेंट में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कैसे फॉर्म को भरे हैं पूरी डिटेल के साथ। तो लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिर्फ एक सिग्नेचर करना होगा अपलोड, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई अपलोड नहीं करना पड़ता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको कोई अपलोड नहीं करना पड़ेगा, तो इस तरह का कोई सर्टिफिकेट जो अभी नहीं अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो मात्र अगर आप email ID फ़ोन नंबर चेंजेस कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह सब चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद और इन्फॉर्मेशन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरा जब फाइनल सबमिट हुआ तो कुछ और एड्रेस है और इसके पहले वाला कुछ और एड्रेस है, तो ये जो है टेक्निकल प्रॉब्लम सर्वर में एरर आने की वजह से होता है, ये सर्वर का प्रॉब्लम है, जो BSSC का जो सर्वर है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से आपका जो है उसमें एरर आ जा रहा है। तो लगभग सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में जवाब दे दिए होंगे, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।